So last class हमें discussion करते ले molecule ऊपर molecule को classify करते ले तो set time के mistake ही रही थी ना homogeneous molecule heterogeneous molecule पर नहीं थी सर एक बार बोल homoatomic molecule और heteroatomic molecule सर ठीक correct करते हो बा है ना homoatomic और heteroatomic molecule बोले सर लेकिन ओके सो मॉलिक्यूल का हमें क्लासिफाई करते हैं ना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल देन हम डिस्कशन करते हैं कोना एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी बेसिस पे मॉलिक्यूल क्लासिफाई करते हैं कोना होमो सॉरी मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक रे क्लासिफाई करते हैं नेक्स्ट हम देखिए मॉलिक्यूलर मास व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास डिस्कशन करथले एटॉमिक मास एटॉमिक मास माने कोन थले इट इज द मास ऑफ वन एटम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन एनयू सिमिलरली इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस and it is expressed in m it is expressed in m okay dekho jodi molecular mass bahar kariyo bahut sahaj jodi ame atomic mass jachu then molecular mass bahar kariyo for example dekho mu hoche example molecular mass kemi ame bahar kariyo h3po फॉस्फोरिक एसिड और मॉलिक्यूलर मास में बात करिए ना कितने नंबर ऑफ एटम अछि इनटू से एटम रो मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करिए हाइड्रोजन के तो स्पिन डा अछि सो 3 × 1 प्लस फास्फोरस अछि 1 फास्फोरस रे एटॉमिक मास ले 31 तो 1 * 31 प्लस ऑक्सीजन के तो अछि 4 अछि 4 * ऑक्सीजन रे एटॉमिक मास ले 16 रस लगे तो मिला 3 + 31 + 64 कितने ऐसे देखा 4 + 1 = 5 + 3 = 8 रस लगा 9 तो 98 कौन एन मॉलिक्यूलर मास कुछ ना कौन गया 98 एन सिमिलरली आउट बाहर करो H2SO4 तो बाहर करेंगे तो 2 × 1 + 32 + 4 × 16 ये भी जो हमने कैलकुलेट कर लिया तो आज चलते हैं 98 ही है सिर्फ सिमिलरली बाहर करो कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन वाला 12 प्लस ऑक्सीजन की डाल से 2 × 16 कितने ऐसे हो 44 है सिर्फ सिमिलरली बाहर करो तो मैं HCl हाइड्रोजन वाला है 1 प्लस क्लोरीन वाला है 35.5 वैसे लगे थे 36.5 सिमिलरली बाहर करो C6H12O6 राशि में क्या 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 देखो छोटा कार्बन अच्छी वोटे कार्बन का मास है 12 बारूदा हाइड्रोजन अच्छी वोटे हाइड्रोजन का मास है 1 छोटा ऑक्सीजन अच्छी वोटे ऑक्सीजन का मास है 16 तो सम कितना आ सियो 180 आसी तो बड़ा सब कौन एएमयू रे अच्छी हां एएमयू रे अच्छी माने मुझे दा कौन एटा अच्छी कौन गोटे सिंगल मॉलिक्यूल रा मास ओके तो एडा तो कोई लिखे नहीं बाहर हो हम किस रे तुम दो छी तुम नेक्स्ट क्लास को एडा वर्क तुम्हारा रोइ ला बाहर करी आस्ते हो H3PO3 अनाउंस कौन फास्फोरस एसिड ओके सिमिलरली एडा अच्छी कौन H3PO2 HNO3 HNO2 ओके N2O NO देन CH3 COO H AL2SO4 होल ट्राइस बड़ा है सब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करियो देन रहले कोन NH4 होल ट्वाइस
SO4 CaCO3 Ca2 PO4 whole twice calcium phosphate. Okay, so everything we have done molecular mass by practice fine. Okay, next time we will gram molecular mass. Next topic we will gram molecular mass. जिन्हें हमें डिस्कशन करती है एटॉमिक मास माने कौन थी ना एटॉमिक मास माने कौन कहते हैं इट इज वन मोल मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास माने भी कौन हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास माने भी कौन हो इट इज मास ऑफ वन होल मॉलिक्यूल इट इज मास ऑफ वन होल मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस ओके मास ऑफ वन होल मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस जे कोन से सब्सटेंस रो वन होल रो मास को मॉलिक्यूल रो मास कम हो गए ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे बराबर द और वन डेफिनेशन के लेना व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितो हमें मॉलिक्यूलर मास टे कोन ए एन यू रे तिन दक जों ग्राम में लिख दा ताले बे से कोन जों ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज अच्छा कहलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कोन मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल अच्छा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल मान में लिख परी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू कौन एवोगाड्रोस नंबर वन मोल माने कौन एवोगाड्रोस नंबर सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल माने में कौन है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन एएम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन एएम इनटू एवोगाड्रोस नंबर देखी दिला ने कौन ना 1 एएम इज इक्वल टू 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर ना हम प्रूफ कर दिले पुट करो एटी आसला के दे एटी कौन ग्राम में भी आसला सो मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर ग्राम में आसी इनटू एवोगाड्रोस नंबर तो कैंसिल है ना सो आसले कौन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास को यदि हमें ग्राम में एक्सप्रेस करिया देन से कौन आसे हमरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास आसे देखो हमें जल्दी बाहर कर चले कार्बन डाइऑक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास के जैसे अच्छा मुझे क्यों हो चुकी क्वेश्चन दो चुका ना कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग तो एलिमेंट मॉलिक्यूल हो चुकी है ना मॉलिक्यूल दली हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना अच्छे मॉलिक्यूलर मास आप कौन कैलकुलेट कर रहे थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओके देखो सो मॉलिक्यूल मुझे ली कौन NaCl NaCl का बाहर का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का लगे 35.5 ऐसे लगे थे 15.5 कौन AMU ग्राम मॉलिक्यूलर
5 gram. Okay, similarly, our example is CaCO3. Calcium level 14 plus carbon level 12 plus oxygen level 3 into 16. The bar potassium is 100 AMU. Our potassium 100 gram. Similarly, our chutti example is KCl, potassium chloride. Potassium level 39 plus chlorine dose is 35.5. Ratio is 75. So 74.5. कौन आंसर है? एम यू आंसर है. राइट आंसर 74.5 ग्राम आंसर. ओके. सो जल्दी आने कौन हो रहा है? ना मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करता. तभी से आने पड़े इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास. बट आपने पूछे हो कि कौन? मॉलिक्यूलर मास हो चुका ना? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. बट ए सिंगल मॉलिक्यूलर मास हो चुका ना? मॉलिक्यूलर मास. ताको तुम्हें ग्राम में एक्सप्रेस कर दे रहे हो मैं ना वन एमयू में तो तुम्हें जान छो देख अब मुझे तुम्हें की कर दी 15.5 इनटू 1 एमयू तो तुम्हें कितना दिला 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24 टोटल कुछ है इसका ग्राम में ऐसे ना. ओके सो इटा कुछ कौन बट सिंगल मॉलिक्यूलर मास बट इटा कुछ कौन 1 मोल मॉलिक्यूल गोटे मोर मॉलिक्यूल रो मास. ओके देखो तो लास्ट क्लास में हमें देखे थे कौन जेमती कौन हम जो 1 डज़न एग रो वेट जणा आछि देन हम कोन कर पड़थले जे कोनसी वेट दे देले हम ताको डज़न रे कन्वर्ट कर पड़थले. सिमिलरली हम कोन हे 1 मोल मॉलिक्यूल रो मास जणा आछि 1 मोल मॉलिक्यूल रो मास जणा आछि. देखो 1 मोल NaCl रो मॉलिक्यूल रो मास केते 58.5. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूल रो मास केते 100 ग्राम. 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल रो मास केते 57.5 ग्राम. सिमिलरली तमे जे कोसे मॉलिक्यूल रो 1 मोल रो मास जानछो ता माने तमु जदि से किछि भी वेट गिवन दोछि ताके तमे मोल रे कन्वर्ट कर पेरे ना नै गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करियो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स पड़े आ चुके हैं. तो फॉर्मूला कौन सा था? अगर फॉर्मूला कौन सा था मिले? अगर वो तो फॉर्मूला सा था ना? ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास थिला बा आपको अनुमान हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक भी पूछ ले ना नहीं. सिमिलरली एबे हमर फार्मूला कोना छला जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास बा आपको हमें कौन गया नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बोली गया 1 मोल मॉलिक्यूल को ले जाना 1 ग्राम मॉलिक्यूल को ले भी सही ही हमें पूछे बोले 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 माने हम जी कौन 1 मोल H2SO4. सो ये फार्मूला का हम अप्लाई करें. अच्छा आउ कौन फार्मूला छि देले हम आटो ना नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कौन एनी गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर एटा भी हम सीख देले. ओके आको जदि मु शॉर्टकट लिखियो चाहि मु कौन लिखि w बाय एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर छु एल रिप्रेजेंट कर छु आको जदि लिखि कौन लिखि w बाय मॉलिक्यूलर मास. ओके आपको लगे कौन लगे एनी गिवन नंबर बाय
सब को एटम्स नंबर तो ये जो दीटा फार्मूला रहला ये दीटा तो कॉमन रहला है जदी एटम माने एटॉमिक मास डिवाइड करे अछि मॉलिक्यूल लेले मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करे अछि तो नंबर ऑफ मोल नो जनरली दीटा फार्मूला आसना मोटे ले कोनो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम की मॉलिक्यूल सेटा हम क्वेश्चन में जाना पड़े नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय कोनो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट जदी एटम है क्यों मते जदी नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बाय करे जाछि त हम एटॉमिक वेट के डिवाइड करबी नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल बाय करे भेले मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करबी और आउटे कोन आसला एनी गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर बुझला तो देखो एटा ओटे रिलेशन पड़ि आसला कोन ना नंबर और वेट भीतर तमो क्वेश्चन रे वेट गिवन देथियो परर पहिले तमो चेक कइले रे वाटर रो मॉलिक्यूलर मास के तमे जानि छ वाटर रो मॉलिक्यूलर मास ने के 18 ग्राम तो 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू कोन 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल 1 मोल माने के 6.023 * 10 टू द पावर 23 ओके ले कोन 1 मोल बुझले नै सो जदी छुसेना हम कहला 9 ग्राम रे केते मॉलिक्यूल अछि 9 ग्राम रे केते मॉलिक्यूल अछि आ हाफ अछि तो एमे तमे ए फार्मूला को अप्लाई करि बाहर करियो केदि ना देखो 9 ग्राम पुट करला कोन 9 डिवाइडेड बाय हमें मॉलिक्यूल को डिस्कशन करू छन तो मॉलिक्यूलर मास को करिया डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल नंबर मते बाहर करियो अछि केते वाटर मॉलिक्यूल अछि डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर केते 6.023 * 10 टू द पावर 23 ओके तो एडी कोन कैंसिल होला 2 आसला आकु 2 रे कैंसिल कर केते आसला 3.011 * 10 टू द पावर 23 बस मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई आसला ना n इज इक्वल टू 3.011 * 10 टू द पावर 23 सो 9 ग्राम रे केते वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि 3.011 * 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि तो ए फार्मूला का काम कर रे जदी हम वेट दे छि जे कोन से एटम का मॉलिक्यूल रो केते नंबर प्रेजेंट अछि हम बाहर कर रे एटम का मॉलिक्यूल जदी हम नंबर जाना अछि हम वेट बाहर कर रे ओके तो एडा हमरो मेनली बेसिक कांसेप्ट ऑफ मोल कांसेप्ट कवर होयला किछ रे प्रॉब्लम आनु करिया देख बेसिकली क्वेश्चन कौन सा पूछ रही है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग केस ओके तोडारे केते मोल अछि से पचार जेने आप एग्जांपल नबा सपोज 1.1 ग्राम CO2 ओके 68 ग्राम H2O माने जानछ कोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिमिलरली 90 ग्राम वाटर 90 ग्राम वाटर आउ मुझे कौन जिंदगी 4.9 मिलीग्राम 4.9 मिलीग्राम H2SO4 इधर सॉल्व करिए तो फर्स्ट टाइम बात करिए कौन नंबर ऑफ मोल्स बात करिए नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या नाम है पहले द गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास बा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओके मॉलिक्यूलर मास जदी तुम ग्राम रे दे देला तुम बुझी दव पड़ि से देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया मेले तुम गिवन वेट ग्राम रे दे छि त माने मॉलिक्यूलर मास तुम ग्राम रे ही नबर छ देखो एले लगे 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के केते मोल कार्बन डाइऑक्साइड पुछ पछले
44 तो डिवाइडेड बाय 44 ग्राम ऐसे लगेंगे 4 या ऐसे 0.1 0.1 बाय 4 कितना ऐसे 0.25 मोल सॉरी 0.025 सिमिलरली 68 डिवाइडेड बाय 68 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O2 रो मॉलिक्युलर मास के देखा कर कैलकुलेट कर चुका हूं H2O2 रो मॉलिक्युलर मास 2 × 1 2 × 1 + 2 × 16 तो ऐसे लगेगा 2 + 32 तो ऐसे लगेगा 34 ग्राम ग्राम मॉलिक्युलर मास डिवाइड करो 34 ग्राम ऐसे लगेगा 2 मोल ओके सिमिलर 90 ग्राम H2 तो कौन करे 90 बाय 1 मोल रो वेट के दे 18 ग्राम 90 ग्राम 18 ग्राम कितना है इसमें 5 मोल है इसमें सिमिलरली फिर देखो 4.9 मिलीग्राम इंच मिलीग्राम माने कितने 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम ओके फिजिक्स से पढ़ी लो नी सो 4.9 डिवाइडेड बाय 4.9 को मतलब कौन ग्राम में कौन करेगा चीन को 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम आसे मिलीग्राम को मैं फर्स्ट कौन ग्राम में कौन कर लो डिवाइडेड बाय H2SO4 रो बाहर कर चले कितना आसला 98 आसला सो 98 डिवाइड करो कितना आसला 0.1 बाय 2 भले आसला दे 0.05 तो आसला कितना 0.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल ओके सो जे कोनो से वेट जो दे हम गिवन दे छ तो ताकर हम मोल रे काउंट कर के आ बीच सिंपल प्रॉब्लम को ये सो पिलाने के क्वेश्चन सॉल्व कर दा हला देखो सो कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O2 मॉलिक्यूल इन 68 ग्राम ऑफ H2O2 68 ग्राम ऑफ H2O2 देछि से पचार छ जे कोन ना केते मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केते प्रेजेंट अछि 68 ग्राम रे अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन हो छि मा देखो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर ओके तो H2O2 मॉलिक्यूल कथा जे पचारला फर्स्ट मॉलिक्यूल रा मॉलिक्युलर मास बाहर करबे H2O2 रो मॉलिक्युलर मास कते आसला 2 + 32 = 34 ग्राम हला 34 ग्राम माने कोन 1 मोल H2O2 मॉलिक्यूल ओके यूज करो मास ऑफ 1 मोल H2O2 मॉलिक्यूल अलग है 34 ग्राम माने 34 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल H2O2 तो 68 ग्राम कितना होगा 68 ग्राम H2O2 इज इक्वल टू कहते 34 ग्राम बाय 68 ग्राम इनटू 34 ग्राम बाय 68 ग्राम ऐसे लगेगा सर सर 68 बाय 34 is equal to 2 mole kada asila 2 mole kada lagna unitary method 34 gram is equal to 1 mole 1 gram is equal to 34 by 1 68 gram is equal to 1 by 34 into 68 kada asila gade 2 mole asila sir this is a unitary method amu unitary method le kariya nai amu kon kariya direct formula apply kari kariya hala mass of 1 mole is equal to 34 gram So number of moles of H2O2, number of moles of H2O2 in 68 gram is equal to formula one given weight 68 by molecular weight 34 is equal to 2 mole. But say हम मोल में पहुँचाएँ, say number में पहुँचाएँ, तो हम क्या करेंगे? 2 mole
O2 is equal to 1 mole माने कहते हैं 6.023 into 10 to the power 23 तो 2 mole कहते हैं सो 2 into 6.023 into 10 to the power 23 है ना number of H2O2 molecule ओके हमें तो करने में हो नहीं तो direct formula अप्लाई करने में हो कहाँ direct formula कौन सी है W by molecular mass is equal to number by Avogadro's number put करो W कितने चाहिए 60 by molecular mass 34 is equal to number का number दे रहे हो number of H2O2 divided by Avogadro's number 6.023 into 10 to the power 23 तो ऐसे लगे थे 2 सो ऐसे ना n is equal to 2 into 6.023 into 10 to the power 23 बुझ ला डायरेक्ट फार्मूला ने बनाया था आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कर लेंगे बस सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो तो हम मुझे कैलकुलेट मास ऑफ देखो फर्स्ट टाइप कौन दला मास दला नंबर पूछा है एटा कौन नंबर दे दी छी मास पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ O3 रिक्वायर्ड व्हिच कंटेन 3 into 10 to the power 22 एटम 3 into 10 to the power 22 एटम नहीं एटा O3 मॉलिक्यूल कर दियो हैला एटम को नहीं क्या हमें आउट ऑफ क्लास प्रॉब्लम करिया ते कंफ्यूजन नहीं जीवन में है सी कोच कोन एति की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अछि तो तार वेट केते पचारला 3 into 10 to the power 22 नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल रो वेट केते पचारला बस नंबर गिवन दे छि वेट पचारिस हमें जानि छनि O3 ओजोन रो मॉलिक्यूलर मास कते मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन आले कते 3 into 16 that is equal to 48 gram तो 1 mole O3 molecule is equal to 48 gram 1 mole माने कहते हैं 6.02 खाली 6 नहीं चलो कहीं ना सिर्फ 3 दी ची into 10 to the power 23 कौन number of molecule is equal to 48 gram तो गुट्टे molecule रो मास कहते हैं 1 molecule of O3 is equal to 48 by 6 point 48 by 6 into 10 to the power 23 ओके कौन ग्राम तो सी कितने देखिए 3 into 10 to the power 23 number of molecule of O3 is equal to कितना है सर 48 by 6 into 10 to the power 23 into 3 into 10 to the power 23 ओके आंसर है लास्ट लाइन है 2 लास्ट लाइन है 24 तो 24 ग्राम ये आंसर है ना 3 into 10 to the power 22 number of O3 molecule का मास ये तो चला गया ना यूनिटरी मेथड डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर कौन W by molecular mass of O3 is equal to कौन number by Avogadro's number तो हम नंबर गिवन अच्छे वेट बाहर कर रहे हैं तो W by molecular mass के 10 48 is equal to नंबर के 10 3 into 10 to the power 23 divided by Avogadro's number 6 into 10 to the power 23 तो डिवाइड करो ऐसे लगे थे 2 कैंसिल करो ऐसे लगे थे 24 1 तो W इज इक्वल टू कितना ऐसे लगे W इज इक्वल टू 24 ग्राम ओके नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम इजन माने कॉमन प्रॉब्लम थी ना लास्ट प्रॉब्लम ना कुछ करो टिके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना अब बोलो लेवल का प्रॉब्लम है ना सो हम लोग कुछ कॉमन है ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास हमें आओ नेक्स्ट क्लास हम ओनली मोल रो प्रॉब्लम ही करिए कहीं मोल कांसेप्ट तो सारे ला प्लस आ गोटे कांसेप्ट अछि वॉल्यूम रिलेटेड कांसेप्ट अछि आ बेस में हम गोटे 15
परीक्षण को एंट्री करिया।